तुम्हें रोकना मेरे हक में नहीं है और शायद ये सही भी नहीं है। सोचता हूँ काश तुम्हें करीब रख पाता, लेकिन ये सोचना भी उसका है, मेरी किस्मत का नहीं है। मिल जाते हैं कभी कभी ऐसे हम सफ़र भी जिनका अपना एक सफ़र होता है, जिस सफ़र में हमारा साथ बस कुछ पन्नों का, बस उतना ही जितना उसने चुना है, जितना इस जिंदगी ने दिया है। संभाला हुआ है एक एक दिन वो जो तेरे शोर में चुपचाप गुजारा है, जिसकी नज़दीकियां हम दोनों के करीब रही है। रखी हुई है वो सपनों की किताब भी, जिसकी कहानी शायद अब झूठी है, जिसे शायद हम दोनों ने लिखा था बैठकर इत्मीनान से, मोहब्बत के उस कमरे में बंद होके जब बंदिशों को आज़ाद किया था, मेरा हाथ पकड़कर जब तुमने भी एहसास किया था, तब लिखा था ये सफ़र, ये कुछ पन्नों का, ये कहानी जो साथ थी अभी तक। सिर्फ नज़दीकियाँ समझ आती थी मुझे, ये दूरियाँ कहाँ थी अब तक, जिसे मैंने तो नहीं लिखा था, जिसे मैंने तो नहीं चुना था, वो दूरियाँ जो शायद तुम्हारे ज़्यादा करीब थी, जिसने तुम्हें बहलाया फुसलाया और ले गई अपने साथ, एक दूसरे सफ़र में एक दूसरी कहानी के लिए, मुझसे दूर इस सफ़र से दूर। कहाँ से आई थी ये, किसने जगा दी थी इन दूरियों को, शायद मेरी भी गलती रही होगी समझने में इस सफ़र को, तुम्हें और अपने आप को। शायद रहा होगा कोई मसला जिसमें उलझ गया होगा ये दिल फिर से, या शायद तुम्हारी आंखों की कहानियां होगी जिनकी छाँव में रुक गया होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब। कुछ कहानियां शायद ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह जाती है, अधूरी सी, बेजार, खामोश, जिसका रहना भी ज़रूरी होता है, जो बार बार कहती है चीख कर कि हाँ मैंने प्यार किया था, उससे जिसकी कहानियाँ सुनाता हूँ मैं खुद को, जिसका शोर सुनाता हूँ मैं अक्सर। जाने दिया उस रास्ते ने मुझे ये सोचकर कि नादान हूँ, जाने दिया उस रास्ते ने मुझे ये सोचकर कि नादान हूँ, जब वापस लौटा उसकी कहानियों से तो अलविदा भी नहीं कहा, जब वापस लौटा उसकी कहानियों से तो अलविदा भी नहीं कहा। तुम्हें रोकना शायद मेरे हक में नहीं है और शायद ये सही भी नहीं।